कृषि प्रवेशक परीक्षा 2018। भारत में किस फल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? इसका आंसर है केला। गरीब आदमी की संतरा किसे कहा जाता है? गरीब आदमी की संतरा टमाटर को कहा जाता है। विंटर चेरी के नाम से कौन सी औषधि पौधा जाना जाता है? अश्वगंधा है इसका नाम। ठीक है, ग्लैडियोलस फूल को क्या कहते हैं? स्पाइक कहते हैं ग्लैडियोलस के को। हेड किस फसल का आर्थिक भाग है? तो इसका ये कट हो गया था प्रश्न, इसका आंसर पत्ता गोभी होता है। खीरा वर्गीय फसलों में पादप हार्मोन को सेक्स फॉर्म बदलने के लिए कब छिड़काव करते हैं? 2 से 4 पत्तियां की अवस्था में। दुर्गापुरा मधु किस फसल से संबंधित किस्म है? तो इसका आंसर है खरबूजा। अंगूर में संदाई की कौन सी विधि सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है? पांडाल विधि से। राजस्थान के किन जिलों में किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है? तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में। खजूर का प्रसारण किसके द्वारा होता है? तने के बिना, ओक सूट। राजस्थान में अनार की कौन सी बहार सबसे उपयुक्त है? तो इसके मर्ग बहार। अमेरिकन मेरी गोल्ड गेंदे का वनस्पतिक नाम क्या है? तो इसका आंसर है बी, टेगेटस एरिकेटा। निम्न से कौन सी विधि को संघनन बागवानी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा किचन गार्डन, बी आंसर इसका किचन गार्डन। चूर्ण फफूंद कौन से फल की प्रमुख व्याधि होती है? तो आम, बेर, अंगूर, उपयोग सभी की होती है। सिंदूरी किस की किस्म है? तो अनार की किस्म है। आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। गुलाब की खेती क्षेत्र में छटाई का समय है? गुलाब की खेती ग्रोइंग क्षेत्र को छटाई का समय है। तो यह है इसका आंसर है अक्टूबर नवंबर। जैम बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त रहता है? तो अमरूद रहता है। निम्नलिखित में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत तो बेंडेस चेरी है। फिर देखते हैं आंसर क्या होता है, इसका आंसर भी बी है। आम की बोनी किस्म कौन सी है? तो आम की बोनी किस्म है अमरपाली। अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद होगा? तो अंतःनिहित विसर्ग संधि है, देत प्लस आदि संधि विच्छेद होगा देत्यादि, इसमें दीर्घ संधि है। संतोष शब्द में उपसर्ग है, तो संतोष शब्द में उपसर्ग है सम उपसर्ग है। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो प्रत्यय में तो मोशेराम हुआ है। देखते हैं आंसर क्या होता है, लेकिन इसका आंसर ये काटा गया था क्वेश्चन, इसमें मोशेराम है। लाजवाब शब्द में कौन सा समाज है? इसका आंसर ये भी काटा गया था, लाजवाब में आंसर होना चाहिए अव्यभाव समाज। वो कौन सा समाज है जिसका उत्तर पद प्रदान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है? तो कर्मधारिक होता है वो, तो आंसर भी कर्मधारिक है। पशुपण इसका आंसर है सी, पशु यानी जानवर होता है, पशु यानी रेत होता है, पण यानी मूल्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका अर्थ इसमें आंसर होगा इसका निर्जर, बाकी अम्बुदी भी है, रत्नाकार भी है, वारिस भी है।
समपन्न व्यक्ति खालिस्तान की व्यथा नहीं जाना जा सकता, विपन्न इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका निहारिका शब्द शुद्ध है, क्योंकि इसमें इक परते लग रहा है, तो इसमें इक परते लगते ही छोटी ई बड़ी ई में बदल जाती है और लास्ट में इक परते जुड़ता है। आपकी शुद्धता बनी रहेगी, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धियाँ हैं? तो इस वाक्य में है, ये क्वेश्चन कटा गया था लेकिन इसका प्रत्यय संबंधित हो गई है। सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है, तो सब लोगों से संबंध रखने वाला सार्वजनिक हो गया। डिप्यूटेशंस शब्द की उचित परिभाषा परिभाषिक शब्द है प्रतिनियुक्ति। बहुत ही कठिन कार्य करना, इस वाक्य में मुहावरा का प्रयोग लाया गया है। तो संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना कोई आसान काम नहीं, इसका ये मुहावरा है। बेल का बेल गया, नो हाथ का पगा भी गया, तो बहुत घाटा होना इसका आंसर है। लवणी मृदा को किस विधि से सुधारा जा सकता है? तो इसको लीचिंग द्वारा सुधारा जा सकता है, इसको निष्पादन विधि बोलते हैं। ब्लीचिंग यानी पानी को नीचे की ओर जाकर जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? जलवायु परिवर्तन से है लंबे समय तक मौसम में बदलाव। मृतिका कणों का व्यास होता है, अब इसका आंसर होगा 0.002 mm से कम। अमोनियम सल्फेट उर्वरक की तुलनांकी अम्लता कितनी होती है? 110। निम्न फास्फोरस उर्वरकों में से कौन सा अम्लीय मृदा के उपयोग हेतु उपयुक्त है? तो इसका आंसर क्या होगा देखिए, इसका आंसर होगा ए रॉक फास्फेट। निम्न में से कौन सा द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है? तो द्विवर्षीय खरपतवार का कौन सा उदाहरण है इसमें? इकोरियम एंटीबियस। कम सांद्रता में एट्राजिन का छिड़काव खालिस्तान प्रकार में वाष्पोत्सर्जन रोधी के रूप में कार्य करता है, तो इसका आंसर है रंध्र बंद करने वाला। आलू की सुषुप्तता को दूर करने के लिए काम आने वाला रसायन निम्न से कौन सा है? तो थायो यूरिया। निम्न में से कौन से प्रकार के उर्वरक सामान्यतः भारत विदेश से निर्यात करता है, विदेश से लाता है भारत में? तो एक पोटास उर्वरक। सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर का अंश कितना प्रतिशत होता है? तो इसका आंसर है 12%। राजमा की फसल के लिए संतुलित नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो 110 से 120 केजी। खरपतवार नियंत्रण हेतु ब्राउन मैन्यूरिंग जो कि एक विधि है, कौन सी फसल के लिए सामान्यतः अपनाई जाती है? तो इसका आंसर है धान की सीधी बुआई के लिए। एक हेक्टर में सेंटीमीटर पानी के बराबर होता है, तो एक हेक्टर में 1 लाख लीटर पानी के बराबर होता है। इसका आंसर भी देख लेते हैं एक बार, 1 लाख लीटर पानी के बराबर होता है। कक्ष स्था कलिकाओं का शाखाओं में बढ़वार कहलाती है, यानी एक्जुलरी जो बर्ड होती है वो शाखाओं को निकालना कहलाता है। संकुल मक्का के प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी होनी चाहिए, तो इसके लिए 200 मीटर रखनी चाहिए। जिया मेज यूवेरेटा का वनस्पतिक नाम है, तो किसका ये? पॉपकॉर्न का। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व क्लोरोफिल का अवयव है? तो इसका आंसर है मैग्नीशियम। अवनलिका सरण की बढ़ती अवस्था है, अवनलिका सरण की बढ़ती अवस्था है, किस इससे पहले कौन सी आती है? रील सरण, उसकी बढ़ती अवस्था ही है अवनलिका सरण। वो पोषक तत्व जो स्टोमेटा की गति और पौधों की कोशिकाओं की स्फूर्ति को बनाए रखता है,
यानी खुलने और बंद करने की क्रिया करता है पोटेशियम। मक्का की दो पंक्तियों के मध्य उड़द की एक या दो पंक्तियां लगाना, तो इसका उदाहरण है सचर फसलों का उदाहरण है इसका उदाहरण सचर फसलों का उदाहरण है। किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर है एंथ्रेक्स में। दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है, तो मेस्टाइटिस का। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो इसका आंसर है कनराल। दूध में उपस्थित वसा का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है, तो इसका आंसर है गर्भर विधि द्वारा। फेट और SNF यानी कि टोड दूध में उपस्थित वसा और SNF की प्रतिशत मात्रा होती है 3.0 व 8.5%। पेड़ में समागम की क्रिया को कहते हैं, पेड़ में समागम की क्रिया को टैपिंग कहते हैं। अवकालीन नस्ल है तो किसकी है, भेड़ की है। किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ऊँटनी के। रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है, तो ये किस पशु में देखने को मिलती है, ऊँट में। पशु में गलगोटू बीमारी का कारण है, तो इसका आंसर है जीवाणु। दुग्ध बुखार बीमारी का कारण है, तो इसका है उपापचीय, जो कैल्शियम की कमी से होती है, बाकी जीवाणु जनित विषाणु जनित प्रोटोजनित नहीं है। पशुओं में खुरपका मूर्पका बीमारी का कारण है, तो इसका कारण है वायरस। निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल भारवाहक के लिए जानी जाती है, तो इसका आंसर है नागौरी। वेस्क गाय का स्थायी दंत सूत्र है, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, इसको देख लेना आप। वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है, तो इसका आंसर है भदावरी। निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है, तो मोरा भैंस की नस्ल है, नीली रावी भैंस की नस्ल है और सूरती भैंस की नस्ल है, यानी कौन सी नहीं है, राठी गाय की नस्ल है। हसियाकार सिंह भैंस की किस नस्ल का प्रमुख लक्षण है, तो हसियाकार सिंह भैंस की किस नस्ल का प्रमुख लक्षण है, सूरती के। भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है, तो इसमें आंसर है जमुनापारी। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है मखदूम में, जो यूपी में है। पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है, तो किससे संबंध है, ब्लू पोएट्री से संबंधित है, जो ये जयपुर में से संबंधित है और ये स्वयं मान सिंह लेके आए थे जयपुर के अंदर। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा है, तो वीर दुर्गादास राठौड़ का, जो ये सेनापति था। राजस्थान के अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से होती है, लेकिन राजस्थान में वर्षा बंगाल की खाड़ियों से आई हुई मानसून से होती है अधिकतर, तो उसमें दक्षिणी पूर्वी मानसून भी आता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय का अनुयायी द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर है अग्नि नृत्य। क्या आंसर है, अग्नि नृत्य। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रहमत का आयोजन किया जाता है, रहमत एक नाटकीय है।
जो होली के अवसर पे की जाती है बीकानेर में। राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो बिजोलिया में। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर है सी, जॉर्ज अब्रक ग्रीसन ने। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1975 में। सतगुण सागर व नाम माला किस संत के द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा रचित है? दादू के द्वारा। अब इसमें क्वेश्चन में बताना है कि नदियों की उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हुई है। तो लूनी नदी की उत्पत्ति हुई है नाग पहाड़ियों से, और सेकंड है बेड़च नदी की उत्पत्ति हुई है गोगंधा की पहाड़ियों से, और सोम नदी का उत्पत्ति हुआ है बीछा मेड़ा पहाड़ियों से, और मही नदी की उत्पत्ति हुई है विंध्याचल की पहाड़ियों से। एक लिंगी महात्मय किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका आंसर है संस्कृत। बीजा व माला राजस्थान के किस जनजाति की शाखा है? तो सांझी से। ठीक है, क्या आंसर? ए, सांझी। निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है बी, पिचोला झील के। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण निम्न से कौन सा है? तो पुरुषों द्वारा तो कानों में मुर्गियां पहनी जाती है। चूप नामक आभूषण का संबंध है दांत से। इसका आंसर भी दांत ही है। गमेति निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? जो पंचायत का मुखिया होता है उसको गमेति कहते हैं। आप कौन सी जाति में कहते हैं? भील जाति में कहते हैं। कटरगढ़ राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र था? तो इसका है कुंभलगढ़। क्या आंसर इसका? कुंभलगढ़। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो इसकी जो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कहाँ पर है? जोधपुर में। लेकिन ये अपन को याद तो है कि ये सेंट्रल एरिड जोन कहाँ है? जोधपुर में। लेकिन हम हिंदी में पहले देखा नहीं था, तो केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर में। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में किस क्षेत्र में से है? तो किस क्षेत्र में से है? गायन। निम्नलिखित में से असंगत युग छाटी है? तो अपन को पता है कि कृष्ण उत्सव माउंट आबू में मनाया जाता है, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में मनाया जाता है, हाथी महोत्सव ये कहाँ है? कोकुस जयपुर में मनाया जाता है, और ऊंट महोत्सव जैसलमेर में नहीं, ये कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में। राजस्थान में निम्न से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? राजस्थान में निम्न से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? तो सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में। राजस्थान में लंगूरिया गीतों का संबंध है किससे है? केला देवी से। कहाँ है? करौली में। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाला किला राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? अलवर में। किस जिले में? अलवर में। चंद्रभागा मेला राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये झालावाड़ में। इसमें झालावाड़ में। राष्ट्रीय स्तर पर ससु का अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो कहाँ पर है? शेवर भरतपुर के अंदर है। कहाँ पर है? शेवर भरतपुर के अंदर है।